उन्नाव से दहेज उत्पीड़न का एक मामला प्रकाश में आया है। आज से करीब 2 वर्ष पहले शहर के मोहल्ला प्रयाग नारायण खेड़ा निवासी राजेश कुमार ने अपनी पुत्री ज्योति का विवाह ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी दिलीप कुमार के साथ आर्य समाज मंदिर कानपुर से किया था। ज्योति के पिता ने अपनी क्षमता से जो हो सकता था वह दहेज में दिया था, परंतु दहेज के लालची दिलीप ने विवाह के बाद ज्योति से और दहेज की मांग करते हुए प्रतिदिन मारपीट के साथ झगड़ा भी करने लगा। उसने 2 लाख नकद और होंडा सिटी कार मांगी। न दे पाने में असमर्थ पिता राजेश ने हाथ पैर जोड़े, परंतु दामाद दिलीप को तरस न आया। उसने एक न मानी और ज्योति को घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब पिता पुत्री कानून की चौखट पर हर रोज दस्तक दे रहे हैं, परंतु उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उन्नाव जिला प्रशासन से अनुरोध है कि मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए ज्योति को न्याय दिलाया जाए। उन्नाव से TV24 समाचार के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। आपका राजेश कुमार, क्या है पूरा मामला? अरे मामला भैया ऐसा है, हमने बेटी की शादी 9 दिसंबर 2017 में जी बिटिया की शादी दिलीप कुमार ईदगाह पत्थर कॉलोनी के साथ की जी। भाई साहब वो बाबू था, किसी प्रकार से बिटिया को तो लालच दे करके शादी तो कर लिया, लेकिन हमें कोई विशेष जानकारी नहीं थी। पहले इसने दहेज नहीं लिया जी मांगा, परंतु जब शादी कर लिया उसके बाद वो शादी करने के बाद दिल्ली ले गया। दिल्ली में कोई कारखाना, वहाँ पॉलीथीन का डाला, फिर वो किसी प्रकार से पता नहीं जाने किस प्रकार से लालच में आ गया और हमसे पैसे मांगने लगा, दहेज मांगने लगा। अच्छा अच्छा, नगद पैसे भी दिया, हमने कई राउंड उसको 40,000 50,000 इस तरह से काफ़ी पैसा दे चुके। आपने कैश पैसा दिया? कैश दिया। अच्छा, ये हमारे पास जब निकाला है हमारे पासबुक में तो हमारे पास रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड है हाँ जी, और जो भी हो सका हमने दान दहेज भी दिया है। दान दहेज लेने से उसने मना किया, लेकिन उसने कहा हमको पैसे दे दीजिए तो हम अपने मन मुताबिक सामान खरीद लेंगे। हमने पैसे दिए तो मन मुताबिक उसने ख़रीदा, फिर उसके बाद अधिक पैसे मांगना चालू कर दिया तो हम नहीं दे सके तो उसने मारना पीटना बिटिया को चालू कर दिया। अच्छा, मारना पीटना चालू कर दिया, फिर अधिक इतना मारा कि मार पीट करके भगा भी दिया। अब बेटी कहाँ है आपकी? अब बेटी हमारी इतने टाइम भैया वहाँ है, अपने घर पे है, यहीं सोने आपके घर पे है जी भैया। अच्छा अच्छा, कब से आपकी बेटी आपके घर पे? अरे ये तो हो गया भैया जनवरी 19 में आई है। जनवरी 19 से आपके घर पे ही है? हाँ जी भैया। अब क्या वो ले जाना नहीं चाहता है? ना लेना, अब नहीं ले जाना चाहता है, और वो दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी भी कर लिया जी भाई साहब। हाँ। और आपने कंप्लेन की पुलिस में? एप्लीकेशन दी कहाँ कहाँ दी? अरे एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, DGP लखनऊ, महिला आयोग, और SP उन्नाव, DM सभी जगह हमने कोई कार्रवाई आगे बढ़ी? कोई कार्रवाई नहीं आज तक हुई, और वहाँ उल्टी अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लगवा लेता है, कहता है हम पैसे ले दे करके हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम पैसा इतना भर देंगे, शासन प्रशासन को खरीद लेंगे। आज तक कोई भी XYZ एक पैसे की सुनवाई भाई साहब नहीं हुई। हम दर दर भटक रहा हूँ, जिले वे जिले जहाँ पे हमको आशा दिखाई पड़ती मैं जाता हूँ, लेकिन कोई भी हमें कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई 0% है, एकदम कुछ भी काम कोई न्याय नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हमने धारा वो 3076 में भी दर्ज करवाया जी, पोर्टल क्या होता है मुख्यमंत्री पोर्टल, हाँ पोर्टल भी, लेकिन वहाँ कोई बिटिया के पास सूचना नहीं जाती है, कोई सूचना नहीं, कोई वापस सूचना नहीं। और जब बिटिया ने दोबारा 1076 पे डायल किया तो उन्होंने क्या किया, नहीं तुम्हारी तो सुलहनामा लिख गया है ये बताया, और वहाँ कोई हम लोगों से पूछा भी नहीं गया, लेकिन अपने आप से वहाँ लिख गया कि नहीं बिना पूछा नाम। तो ये भैया क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या हम दर दर भटकते रहेंगे, कब हमको इसका न्याय मिलेगा। बेटी की उम्र कितनी है? अरे करीब 25 साल है भैया। 25 वर्ष उम्र जी सर। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। कब हुई थी शादी आपकी? जी हमारी 9 तारीख 2017 में हुई, दिसंबर में। किससे हुई थी? दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार जी। ये कहाँ के रहने वाले? सर ये ईदगाह पत्थर कॉलोनी के रहने वाले, का पता है 12/4/86। कैसे हुई थी शादी आपकी? सर हमारे लोग शादी आर्य समाज से हुई थी। आर्य समाज, आर्य समाज मंदिर कहाँ का? ये हीरागंज कानपुर से हुई थी। अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला, क्यों आपको आपके पति ने अपने से अलग कर दिया? हम लोग उस टाइम तक
तक तो सब अच्छा खासा चलता रहा जी। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में इनको बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसके बाद वो हमसे बोलने लगे कि मम्मी प्रताड़ित करने लगे, तभी से बोले हमको इतना पैसा दिलाओ, हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है और मेरी शादी तो बहुत हाई फाई घर में होने वाली थी, और बस इसी के लिए लेकर वो सब प्रताड़ित हमको करते रहे, मारते रहे, पीटते रहे। सब दहेज की डिमांड क्या की उन्होंने, क्या मांगा? सब दहेज में उन्होंने हमसे 2 लाख रुपये नकद मांगे थे और 4 हंडा सिटी गाड़ी 4 हज़ार मांगी। ये शादी हो जाने के बाद मांगा है? जी सर। जब आप लोग नहीं दे पाए, आपके पापा नहीं दे पाए जी जी, तो उन्होंने आपको निकाल दिया? जी सर बिल्कुल, बहुत सर वहाँ गाली देते हुए, गंदी गंदी गालियाँ दी और सर मारते पीटते हमको घर से निकाल दिया है। अभी आप कहाँ रह रही हो? सर अभी तो हम अपने पापा के यहाँ रह रहे हैं। अपने पापा के यहाँ रह रही हो। कप्तान साहब पुलिस अधीक्षक को दिया आपने? सर दिया है सर, अभी 20 तारीख को मैंने दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया था और सर तब से, और वह कहता सर जो विवेचना कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, लेकिन सर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, वहाँ कोई चेक करने नहीं जा रहा है और मुझसे ही सबूत मांगे जा रहे हैं, बाकी कोई कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ। और वो लोग सर हमें इतना धमका रहे हैं कि तुम्हारे पापा को फंसा देंगे, तुम्हारे पापा के खिलाफ मुकदमा हम डलवा देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को गोली से मरवा देंगे। सर इतना प्रताड़ित किया जा रहा, घर पे पैसे देकर गुंडे भेजते हैं, गुंडे भेजे जा रहे हैं आपके घर पे। सर इसकी कंप्लेन की आपने पुलिस में? सर हमने सिटी मजिस्ट्रेट को सर हमने एप्लीकेशन में बतौर बताया सर, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हर जगह से हमें निराशा ही निराशा है सर, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।